तो स्टोरी सुनना पसंद करेंगे या देखना पसंद करेंगे? तो दोनों कीजिए, देखिए भी और सुनिए भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स बेटर टू बी लाइक दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानल्लज़ी सख़्ख़रा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ले जी रज़ा भाई और मैं 23 मार्च की फैंटास्टिक किस्म की राइड के लिए तैयार हैं सर। गेट रेडी, सो स्टार्ट द जर्नी। बिस्मिल्लाह। ले जी बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है जी 23 मार्च 2021 और मेरा ये जो जर्नी है वो यहाँ से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह फ्रॉम लाहौर टू ऑनवर्ड्स इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से फिर इंशाल्लाह टूवर्ड्स नॉर्थ। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला ये सफ़र बखैर वाफियत गुजारे और हम इसको इंजॉय करें। ठीक है जी। सो नाउ यू सी रज़ा भाई इज विद मी। सुबह के तकरीबन 6:30-7 बजे का टाइम है एंड वी आर क्रॉसिंग कर्तवा चौक। देर पहले हम लोगों ने शाहदरा क्रॉस किया है जी, और स्पीडोमीटर आप देख रहे होंगे अभी हम 80 की स्पीड पे हैं बिकॉज रात को बारिश हुई है, तो उसकी वजह से रोड जो है वो ज़रा गीला है, तो स्लिपरी रोड कंडीशन होने की वजह से मैं ज़रा थोड़ा आराम से इसको चला रहे हैं। बल्कि काम करूँ इसको रेन मोड पर कर देता हूँ। दिस इज़ रेन मोड, दैट्स प्रीटी गुड। आज जी इंशाल्लाह हमने कोई इंशाल्लाह जो भी 3-4 घंटे में कवर करना है इस्लामाबाद तक पहुंचना है, और टूर हमारा जो रूट इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मैं आपको दे दूं कि यहाँ से लाहौर से ऑनवर्ड्स हम लोग जीटी रोड से, बिकॉज मोटरवे पे हम जा नहीं सकते, तो जीटी रोड से जाते हुए हम लोग पहले गुजरांवाला क्रॉस करेंगे। गुजरांवाला के बाद खारियाँ जो है वहाँ पर हमारा नाश्ता इंशाल्लाह, और थोड़ी देर की ब्रेक होगी खारियाँ, और खारियाँ से ऑनवर्ड्स फिर बरास्ता जेलम रवात और इस्लामाबाद। तो ये हमारा जी टोटल रूट है और ऑलमोस्ट कोई 300 किलोमीटर्स के करीब का जो आज का ये ट्रैवल हम लोग करेंगे। अभी तक करीबन कोई 12 किलोमीटर मैंने ट्रैवल कर लिया है। तो
सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम। क्या ज़बरदस्त किस्म का मौसम है और क्या ही आउट क्लास किस्म की राइड है। बस अभी कुछ देर में मैं गुजरांवाला पहुंचने वाला हूं। ये मास्टर टाइल्स मेरे लेफ्ट पे है और आउट क्लास वेदर, आउट क्लास राइड, वाओ, एंजॉयिंग। लेजी एंट्रिंग इनटू गुजरांवाला, द सिटी ऑफ खबाज, द सिटी ऑफ पहलवान्स, द सिटी ऑफ गुड पीपल। नहीं जी, हम पहुंच गए हाजी अब्दुल गनी अमृतसरी सिरी पाए पे। ठीक है जी, अब देखते हैं कि क्या पोजीशन है। मुझे तो लगता है कि वो खिला तो नहीं रहे यहाँ पर। ओह गॉड, चेक करना पड़ेगा बॉस। नहीं जी, हमारे एक बाइकर दोस्त हैं, वो हमें मिल गए थे यहाँ पर हाजी अब्दुल गनी सिरी पाए पे। तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि चलो जी मेरी फैक्ट्री है और मेरे साथ नाश्ता करो। तो यहाँ से हमने कुछ मगज़ लिया है, पाए और देसी कुकड़, एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर ब्रदर्स फैक्ट्री। ओके ले जी, ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं उमर भाई, और ये गुजरांवाला से हैं जी। और अभी हम रजा भाई ने की स्पेशल रिक्वेस्ट पे उमर भाई आए जी, जिन्होंने हमारे नाश्ता कराया गनी से, बड़ा आला किस्म का। तो बस अब यहाँ और ये नाश्ता इनके दफ्तर में हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो गनी वहाँ पर लॉकडाउन की वजह से वो लोग अभी हमें ऑफर निकाल रहे हैं। अच्छा जी, हमारे रजा भाई आपको बताया, द चीता रजा भाई। थैंक यू उमर भाई। हाँ उमर भाई, द ग्रेट। पाकिस्तान जिंदाबाद। ले जी, क्रॉस कर रहा हूँ मैं लाला मूसा, पाकिस्तान का लाला मूसा, जिसे लालम यूएसए भी कहते हैं। अगर आप इसको अंग्रेजी में लिखें ना तो लालम यूएसए, लाला मूसा खारियाँ वज़ीराबाद। यहाँ के जो लोग हैं ये ज़्यादातर बाहर सेटल्ड हैं, बाहर यानी कि इंग्लैंड इधर उधर सेटल्ड हैं। तो लिहाजा कहते हैं एक बंदा इनका पाकिस्तान में होता है, बाकी सात बंदे अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में। ठीक है जी। बॉयज एंड गर्ल्स, मूड कुछ यूं है, जिंदगी तूफान है और बंदा परेशान है कि कहाँ फिर रहा है। ओ ये देखिए नज़ारा कराते हैं हम आपको अपनी जीएस एडवेंचर का, जिस पे मैं यहाँ से अभी तो लाहौर और फिर उसके बाद नॉर्थ पे जा रहा हूँ, इंजॉय कर रहे हैं इस कुदरत के हसीन नज़ारों को। जी एंटरिंग सुहावा, मेरा ख्याल है कोई 8 या 10 किलोमीटर सुहावा है, और इंशाल्लाह उसके बाद गुजर खान और फिर रवात एंड देन पिंडी। नहीं जी, मैं क्रॉस कर रहा हूँ गुजर खान, और गुजर खान के बारे में आपको पता ही होगा कि गुजर खान की जो मूंगफली है ना, उससे मीठी और उससे मज़ेदार मूंगफली मैंने तो नहीं खाई। आपने खाई हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये है जी हमारा सोना गुजर खान। यार अनबिलीवेबल किस्म का वेदर है, माइंड ब्लोइंग। ऑलमोस्ट मैं 226 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ, और तकरीबन 55 किलोमीटर जो है वो रावलपिंडी मुझसे रह गया है। तो फैंटास्टिक, स्टनिंग, आउटस्टैंडिंग राइड, मज़ा आ गया। Enjoy the scenic beauty of my beautiful Pakistan. I love you, Pakistan. देख रहे हैं आप मेरे लेफ्ट एंड राइट क्या खूबसूरत जंगल है। Wow. अच्छा जी, वो सामने मेरा ख्याल है वो पिंडी पॉइंट, मेरा ख्याल वो सामने पिंडी पॉइंट है, ये कश्मीर पॉइंट है, ये सारी पूरी मरी की वैली है। और यहाँ से मेरा प्लान है कि मैं एक छोटा सा ड्रोन शॉट लूँ, उसके लिए मैं वो टॉप पे, वो देख रहे हैं आप उस पहाड़ी पे जाके वहाँ से एक छोटा सा ड्रोन उड़ाते हैं जी, उसका एक व्यू बनाते हैं, एंजॉय कराते हैं आपको। ठीक है जी।
डिफिकल्ट हाँ। मैंने सदा चाहा यही दामन बचा लूं हसीनों से मैं, और तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता फिरा नाज़नीनों से मैं, और तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, हो गया दर्दे जिगर सुन जरा ओ बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तूने मैं तेरा बिस्मिल हो गया, गुलाबी आँखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। Enjoying my ride from Lahore to Islamabad and onwards towards the north of Pakistan, the beautiful Pakistan, the stunning Pakistan, the loving Pakistan. I love you, Pakistan. अगर मैं आपसे कहूँ ना कि आई एम इन हेवन, तो यकीन करें ये गलत नहीं होगा। अभी जो मैं पीछे नज़ारे छोड़ के आया हूँ ना, वल्ला ऐसे लग रहा था कि यार यू आर जस्ट इन हेवन। ज़रा क्वाइट ज़रा डिफ़िकल्ट जगह आ गई है जी, एंड आई हैव टू बी केयरफुल बिकॉज इट्स टोटली यू नो स्लिपरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Be like this. It's quite difficult, man. Oh God, it was difficult. Thanks God. तो स्टोरी सुनना पसंद करेंगे या देखना पसंद करेंगे? तो दोनों कीजिए, देखिए भी और सुनिए भी। 23 मार्च 2021 सफर स्टार्ट हुआ जी लाहौर से, बरास्ता मियाँ जी के होटल सुहावा इस्लामाबाद, वन नाइट स्टे एट इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे में निकला, रास्ता मरी भूरबन कोहाला ब्रिज से होते हुए आज़ाद कश्मीर, और आज़ाद कश्मीर के कैपिटल पहुंचे मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद से तकरीबन दोपहर का खाना खाया, और मुजफ्फराबाद से ऑनवर्ड्स फिर कुटिन, तकरीबन 4 घंटे की फिर नीलम वैली की ड्राइव कीजिए, और चीता अपना पहुँचा कुटिन शाम को 6 बजे। वन नाइट कुटिन स्टे किया, कुटिन से ऊपर जगरान वाली साइड पर गए, लेकिन वहाँ लैंडस्लाइड हुई भी थी तो जिगरान फिर नहीं देख सके, और बबून वैली तो अभी बंद है बिकॉज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो है। और नेक्स्ट डे फिर सुबह वहाँ से निकला जी और कैरन आया। कैरन जो है वो बिल्कुल राइट साइड के अगर ऊपर हम देखें तो कैरन के इस साइड पे बॉर्डर है इंडिया का, और इस साइड पे अपर नीलम है। तो वहाँ से फिर मैं अपर नीलम गया, अपर नीलम कवर किया, उसके बाद कैरन से आया शारदा। कैरन से जो शारदा का रोड है वो बहुत ही ख़राब था, उसकी हालत बड़ी नागुफ्ता बे थी, बट यह है कि पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह शाम को 6 बजे के करीब कैरन भी, शारदा आ गया। शारदा से फिर आगे मुझे जाना था केल और अड़ंग केल, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि यार लैंडस्लाइड बहुत हुआ हुआ है तो लिहाजा आप अभी रुको। तो फिर मैं वन नाइट स्टे किया मैंने शारदा जी। यहाँ पर एक बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है वो देखी, शारदा सिटी देखा, छोटा सा शहर, और वहाँ से फिर मैं नेक्स्ट डे निकला केल के लिए। केल पहुँचा, केल से फिर डोली पर बैठ के मैं गया अड़ंग केल। अड़ंग केल में स्नो थी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, उसको कैप्चर किया। अड़ंग केल से वापस केल से वापस आया शारदा। राइट नाउ आई एम सिटिंग इन शारदा।
यहाँ से अब मुझे तकरीबन 6 घंटे लगेंगे या 7 घंटे तकरीबन मुजफ्फराबाद पहुँचने में, वहाँ से 2 घंटे इस्लामाबाद, इंशाल्लाह नाइट स्टे मैं इस्लामाबाद करूँगा और उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कल सुबह निकलूँगा इस्लामाबाद से और पहुँचूँगा लाहौर तकरीबन 11:30 बजे। तो ये मेरा जनवरी था 23, 24, 25, 26 और 27, यानी कि 5 दिनों का। तो मैंने बहुत इन्जॉय किया, सीनिक ब्यूटी देखी, नीलम देखा पूरा, इससे पहले मैंने नीलम कवर नहीं किया था। तो मेरे साथ रहिएगा, देखिएगा एंड यू विल डेफिनेटली इन्जॉय। और मेरे शहजादे ने मेरा बड़ा साथ दिया, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मेरा ये सफ़र आना जाना सब खैर वाफियत से हो। सो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे लाहौर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मॉडिफ्स केजेजी एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।